It's amazing to be sitting here only just after 52 years. I entered here as a girl. तब भी दो एक नहीं दो चुटियाँ थीं. मिस मंगत राय ने इंटरव्यू किया था. एंड आई केम विथ माय ब्रदर कामरान ऑन अ बाइक टू गिव माय इंटरव्यू. सो आफ्टर 52 इयर्स डूइंग डिबेट्स एंड बीइंग इन ड्रामेटिक्स हियर, इट्स अमेजिंग टू बी सिटिंग ऑन द स्टेज वंस अगेन एंड शेयरिंग विथ यू ऑल माय नॉस्टैल्जिया. आई हैव बीन जस्ट राइटिंग व्हाट आई थिंक. जो मैं सोचती हूँ वो मैं बोलती हूँ. तो सब ने फरमाइश की, ख़ास तौर पे मेरी बेटियों ने और बच्चों ने, कि अम्मा व्हाट यू टेल अस आप इसको लिख कर सुनाएं. तो कई लोगों ने मुझे कहना आप आ रही हैं, हमारी बच्ची के लिए कुछ शादी है लिख कर लाएं या कोई और मुशायरा है. सो जस्ट स्टार्टेड एज अ हॉबी एंड देन अमजद इस्लाम अमजद ने मुझे बहुत इनक्रेज किया कि बीबी इसको आप छपवाएं. सो माई फर्स्ट बुक इन द नेम ऑफ चिट्ठियाँ इज इन आउट एंड द सेकेंड ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज ऑन द वे. सो आई स्टार्ट विथ वन ऑफ माई अर्लीस्ट लेटर्स टू माई डॉटर फलक हुज ऑल्सो एन ओक एंड इट्स अबाउट माई मदर्स होम ऑफ द 50s. तो मैं शुक्र करती हूँ. ये चिट्ठी मैंने 25 नवंबर 2012 को लिखी, शाम 7 बजे लाहौर. प्यारी फलक, आज नवंबर का आखिरी हफ्ता है, लेकिन देखो ठंडक मामूली सी है. बहुत साल पहले यानी मिड 60s की बात कर रही हूँ, लाहौर की शामें अक्टूबर में ही ठंडी हो जाती थी और हल्की सी गुलाबी सी खुनकी भी होती थी. आज आप मुझसे कह रही थी कि मुझे हर काम में जल्दी होती है, तो इसका सेहरा भी तुम्हारी नानी अम्मा को ही जाता है. उनको सुबह सवेर हर काम को जल्दी निपटाने की जल्दी होती थी. जैसे ही सहन ने धूप ने सर निकाला, फर्श धुल जाते, रंगीन पाए वाला पलंग बाहर बिछ जाता, ऊपर सब्ज और सुर्ख धारीदार खेस और साथ ही छोटी सी तुरपाई पर कल फला सफ़ेद कड़कता हुआ मेजपोश, वो भी मेरी कढ़ाई वाला बिछ जाता. इसमें पीतल के गुलदान में मोतिये और चंपा की टहनी भी लगी होती और पलंग के साथ रंगीन दरी या छोटा सा कालीन भी बिछ जाता. और जिधर जिधर धूप जाती एक फोल्डिंग पर्दा भी रख दिया जाता. ये तो था तुम्हारी नानी का घर, उनकी जन्नत, हमारी ठंडक. ये थी मेरी फतेहशेर रोड की कोठी. इस कोठी के सहन में मैंने कीड़ी काड़ा, बंटे, पिठू गरम, कैरम बोर्ड और गुल्ली डंडा खेल कर बड़ी हुई. इस सहन में सर्दियों में अमरूद और कीनू खाते और सर्दियों में कोयलों पर छलियाँ भी भूनी जाती. मक्खियाँ तब भी तंग करती थीं, लेकिन नानी जान हर चीज़ को क्रोशिये के कपड़े से और मेजपोश से ढांप देती थी. जैसे ही असर की अजानें शुरू हुईं, सब समेटा सिमटाई शुरू हो जाती. 10 मिनट में कुर्सियाँ और मेज़ बरामदे में अपनी जगह पे, चारपाई पिछले सहन पर, अब अंदर कमरों में जाने का वक्त आ जाता. हर काम में नज़्म व ज़ब्त, सफाई, निफासत, सब कुछ नुमाया नज़र आता था. सुबह सवेर दोनों सहन धुलने का तो एक मामूल था ना, सफाइयाँ ख़त्म, कपड़े धुल जाते, खाना तैयार और ग़ुलाम हुसैन खनसामा उसकी ट्रांजिस्टर की आवाज़ सुनाई देती. अब 11 से 1 बजे तक उसका इस्त्री टाइम था. वही कोयलों वाली इस्त्री जो लॉबी में मैंने एंटीक करके सजाई है ना, इसमें रोज़ कोयले अंगारों की सूरत में आंच देकर पकाए जाते थे
और एक खजूर की पंखी से उनको आँच देती थी। जब धुआं ख़त्म होता तो समझो स्त्री तैयार है। घर के सारे मेज़पोश, चादरें, नैपकिन्स, भाइयों के कपड़े स्त्री होकर हैंगर्स में आ जाते। कपड़े ख़त्म हुए, नमी वाली चारपाई उठाई जाती और दोपहर के खाने का काम शुरू हो जाता। सबसे पहले स्टाफ को गर्म खाना मिलता और फिर घर वालों को। नानी अम्मा की बहुत सी आदतें मेरे में आ गई हैं और उनमें ये भी है कि पहले खिदमत गुजारों को बरवक्त खाना खिलाया जाए। खैर, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। उफक, तुमको भी तो पुरानी बातें सुनने का बहुत शौक है ना। सब बताऊंगी, सब्र करो, बैठ जाओ ना। तो बात छोड़ रही थी अधूरी, हमने गुलाम हुसैन का रेडियो बजने लगता। सारे पुराने गीत चाहे इंडियन थे चाहे नूरजहाँ की, वहीं से तो सुने। रेडियो सैलोन का बिनाकर टूथपेस्ट का प्रोग्राम, धुनों के साथ सारे गीत मुझे अब तक याद है। रात को बाहर चारपाइयों पर लेटते तो ये आवाज़ें अब भी यादों के दरीचों में अक्सर दिल की खामोशी में सुनाई देती है। कोठी के अंदर वाले सहन में बरामदे के आगे 5 चारपाइयाँ बिछ जाती, जिन पर सब्स, जर्द और नीले और आदसी धारीधार केस होते। पायंती पर सफ़ेद चादरें होती और सरहाने पर भी सफ़ेद गिलाफ वाले तकिए। दोनों इतराफ पंखे होते थे और पर्ची सिस्टम था। भाई लेटने का और किस चीज़ का, रोज़ाना बंची निकली थी कि आज किसकी बारी है आगे सोने को। और फिर इस खामोशी में तांगे के घोड़ों की टाप टप 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 टप, दूर से नज़दीक आते हुए हुमायूं रशीद के घर से गुजरकर हिजड़ा रमज़ान चाचा के कोठों से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूर चली जाती। और दूसरी आवाज़ चाय के खोखे पर चलने वाले रेडियो की देसी परदेसी धुनों की होती। इन खूबसूरत लाजवाल रोमानवी गानों को सुनने और तखैल में देखते और अपनाते मैंने ज़िंदगी को परवान चढ़ाया। हमारे वक्त में ये गाने, मिल्स एंड बूंस की किताबें के अलावा बाहर की दुनिया एक अनदेखी आउटसाइड थी। मैं खुश होती तो किसी गाने में खुद को साड़ी के पल्लू के साथ लिपटा कर कभी ज़ेबा बन जाती, कभी वहीदा रहमान और कभी शमीम आरा की तरह अटकलियाँ करती। ये मैं सोचती रहती और जब कभी उदास होती तो मधुबाला, नैयर सुल्ताना या मीना कुमारी की तरह तसव्वुर में आंसू बहाकर उदासी के गीत गाती। बहुत गीत गाए, बहुत पल्लू लहराया, बहुत खूबसूरत गीत थे। वो रात की खामोशी, सितारों की बारात की छत, वो रोमांटिक गाने, वो घोड़ों की दूर जाती हुई टाप, तखैल में एक ब्लैंक शक्ल वाला एक हियोला, एक हीरो। उस हीरो के साथ मैंने गाने तो बहुत गाए। बे इंतहा अटकलियाँ की, दरख्तों के साथ, बादलों के साथ बहुत चूमी, बहुत बाल खोले, लेकिन कभी मैं उस हीरो को शभी ना दे सकी। किस लिए? शायद वो भी इस घर की, इस कोठी का एक अनरिटन रस्म और रिवाज था, या दिल के दरवाजे खोलने का डर था। जो भी था अच्छा किया, वरना मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल। ऑफ कोर्स फलक सोचों में, ख्वाबों में और ज़िंदगी की असलियत में बहुत फ़र्क होता है, और शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। चलो बच्चियों, देखो ठंड उतर आई है, कुर्सियाँ ठीक करो और अंदर चलकर बातें करते हैं। मुझे भी नानी जान की तरह हर चीज़ को समेटने की जल्दी होती है, आखिर उन्हीं की बेटी हूँ। अब तो शीशा भी कहता है शायद तुम ही महबूब सुल्ताना हो। शाम बखैर, तुम्हारी माँ शफक।
लाई तुम एक चिट्ठी पुरानी लाहौर की भी थी बट सीइंग द यंग क्राउड हियर एंड द गर्ल्स सो आई स्विच्ड ऑफ टू चिट्ठी रिटन ऑन माय ओन. ये चिट्ठी मैंने 15 जनवरी 2017 अपनी दोस्त की फरमाइश पे लिखी जिसकी बेटी की शादी थी. 15 जनवरी 2017 शाम 4 बजे. किंजा जी, आपको पहली मर्तबा चिट्ठी के ज़रिए मुखातिब कर रही हूँ, कैसे लिखूँ? प्यारी किंजा, प्यारी तो आप हैं ही, बहुत सुंदर, बहुत शीरी, सदा सुखी रहो. लो जी, कुछ दिन हुए आपकी अम्मी ने एक मुनफरद सी फरमाइश कर दी. एंड नोइंग समीना, वो हर तौर से खुद भी मुनफरद हैं. उनकी फरमाइश थी कि आपकी पहली दुआ और ढोलक पर कुछ लिख के लाओ. कहने लगी, शफक जी, दुआ के बाद कुछ ऐसा सुनाना जो सबको अच्छा लगे. लो भाई, इतने प्यार से कोई फरमाइश करे तो हम ना तो नहीं कर सकते. पसंद आना या अच्छा लगना, ये तो बात की बात है ना. किंजा जी, अजब सी बात है, महफलों को सजना, उनको सजाना हर वक्त हर दौर में शायद थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन उसको मनाने की वजह, उसका एसेंस तो वही रहता है ना. माओ की चाहत, चाहे वो समीना की हो, चाहे मेरी माँ महबूब सुल्ताना की, फितरत ने, जो कुदरत ने वो प्यार दिया है, वो वही रहता है. मेरी यादें तो कुछ धुंधली सी होती जा रही हैं, कुछ हयोले, कुछ प्यार भरी शबीहें, मेरी माँ का सुर्ख व सफ़ेद दमकता चेहरा, मेरे अब्बा की भरपूर मुस्कुराहट, मेरे भाइयों के चेहरों पर अजब किस्म की एक्साइटमेंट, घर में हर तरफ गहमा गहमी, एक अच्छे वक्त की आमद की खुशखबरी, हर समा हर दिन मेरी शादी की आमद पर रोशन लगता था. किंजा जी, मेरी अम्मी जान ने तो एक माह पहले ही, सच पूछो तो 2 माह पहले ही मुझे माइयों बिठा दिया. इकलौती थी ना, सब चाव करने थे. 5 पीले जोड़े तैयार करवाए, लप्पा, बांकड़ी, किरण, गोखरू, तारों से सजाए बनाए, हर बनारसी दुपट्टे के ऊपर लप्पा किरण लगा. एक किमखाब का था, एक जापानी फ्लैट क्रेप का, और एक डिशीन करीब का भी था. उनका दिल था कि मैं हर रोज़ पीले कपड़े बदल के बैठूं, पीला परांदा हो, पीली उपटन लगे, और मेहंदी रचे हाथों से मैं घर में फिरा करूं. एक मासी रोज़ाना उपटन लगाने आती थी. एक हफ्ते बाद मेहंदी फ्रेश होती. हर शाम घर में एक महफिल सजती थी. ढोलक की थाप पर सहेलियां और कजन्स उल्टे सीधे टप्पे गाती. दस्तरखान सादा लेकिन वसी था. 2-3 डिशेस से कभी ज़्यादा कुछ ना हुआ था. दस्तरखान बिछ जाते, गोल तकिए लग जाते, चांदी और कोयलों की अंगीठियाँ बिछ जाती, गर्म चादरों के नीचे कांगड़ी सेंकने के लिए बुज़ुर्गों को दी जाती. किसी दिन लिनन टक रही है, किसी दिन जोड़े टकते. हर शाम एक छोटी सी घरेलू महफिल होती. खनकती हंसी की आवाज़, चूड़ियों की छनकार, मेहंदी की खुशबू सारे माहौल में रची हुई थी. शाम की चाय पर छोटे अंदरस से जलेबियाँ और नमक पारे ज़रूर आते. हमारी अम्मी जान ने ज़मीनों से देसी घी के शक्कर पारे मंगवा कर बड़े तांबे के कनस्तर में रखे हुए थे. रीगल के समोसे और नमक पारे आते तो समझ जाएं शाम सज जाती. सारे वक्त में एक खलूस था, वॉर्मथ की इंतहा थी, बनावट कम थी. हर तरफ गहमा गहमी, हर वक्त मेहमान वॉक इन कर रहे हैं, कोई काम पूछने आता, कोई काम करवाने आता. खैर से हमारे चारे भाइयों की नई नई फूटती जवानी थी. बड़े भाई तो खैर फौज में थे, बाकी तीनों भी कॉलेज में पढ़ते थे, और हर वक्त इस ताड़ में होते थे कि किसी दरवाजे की ओट से झांकने लगें तो किसी दुशीजा से राह चलते बात बन ही जाए. एंड यू नो, दे वर सो हेल्पफुल दोज डेज.
हर एक चाहता मैं भाग कर किसी के साथ काम करवाऊं। मेरी ढोलकी और माइयों मेहंदी पे जो मौज उन्होंने उड़ाई, वो भी उनकी यादों का एक हसीन बाब है। प्यारी प्यारी बच्चियाँ, उनका शर्माना, उस वक्त में बच्चियाँ शर्माती थी। और हमारे भाइयों का उनसे बात करना मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। वो ड्राइंग रूम के लरसते पर्दे, वो लरसती पलकें, उस वक्त एक दिल करीब कलकशी थी जो आपको शायद ना समझ सकें, लेकिन मेरी हम असर समझ सकती हैं। एक ब्लैक एंड वाइट मूवी जो हमने स्क्रीन पर देखी, हमने उस वक्त में इनएक्ट भी किया, वो वक्त देखा भी, वो रोल निभाया भी। माइयों तो मैं बैठ गई, पीड़े जोरे भी रोज में बदल बदल कर पहनती, मेहंदी की रौनक और गरारों में अपनी सहेलियों को लुड्डी करते, और रात को जालीदार दरवाजे की ओट से दांतों में दुपट्टा दुबाए देखती, कमरे की बत्ती बंद करती और खुद ओट में छुप कर सारी महफिल देखती। पर्दा लाजिम था ना, बारात से पहले दुल्हन बाहर नहीं आ सकती थी। सिर्फ मेहंदी की रस्म के लिए सर झुकाए गई और इसी तरह सर सीने में दबाए वापस आ गई। क्या सीधे समय थे। अगले रोज बारात थी, सुबह सोशल वर्क का बीए का वाइवा था, पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर था, एंड कैन यू इमेजिन, मैं गोटे वाले पीले जोड़े में सुबह मेहंदी लगे हाथों से वाइवा देने चली गई। एंड इट्स अ फैक्ट, 29 दिसंबर 1972 की सर्द तरीन सुबह थी। प्रोफेसर साहबा ने हमारी हालत जार पर तरस खाया तो सीधे सीधे सवाल किए और कहा, दुआ दी बल्कि, बेटा घर जाओ, ठंड ना लग जाए, जाकर शाम की तैयारी करो। बोला, तैयारी किस चीज़ की, आज वाले हालात थोड़ी थे कि महीनों पहले पार्लर्स में और फोटोशूट्स की बुकिंग हो। रात को हमारी बारात आई, मेहमानों में नंदों ने बरी को डिस्प्ले किया, झट से सुर्ख टिशू का गरारा और जेवरात के चारों सेट अंदर भिजवाए गए। हमारी बड़ी कज़न अजराबाजी ने झटपट टांके खोले और जोड़ा पहनाकर सुर्ख परांदे से ढीली सी चुटिया कर दी। माइयों वाले दुपट्टे की कैरन से कैंची को काट कर बारीक बारीक मांग में भर दिया और कुछ आंखों पर चिपका दी। आई लाइनर और सुर्ख लिपस्टिक लगाई और 15 मिनट में हम तैयार थे। दुल्हन का तब अपना ही रूप होता था। कंवार पन्ने में पहली बार लिपस्टिक, काजल और किरण ने क्या कमाल किया। हम बाहर रुखसती के लिए लाए गए। बाहर वाले सहेन में अम्मी जान ने एक दीवान पर प्लश का सुर्ख पलंगपोश बिछाया हुआ था। चांदी के छपकों वाले दो सुर्ख गोल तकिए थे। एक ईरानी कालीन था आगे, कुछ पाम के गमले दीवान के पीछे रख दिए। ये तो मेरा स्टेज था। ऊपर छत पर जहूर संस के रंग बरंगे शामियाने और अंदर बड़े बड़े बल्बों की कतार, क्या रौनक, क्या समा, क्या शादमानी थी। एक कैमरा था जो हमारे कज़न जोफिकन बरलास ने क्लिक तो बहुत किया, हर लड़की को देखकर दो बार फ्लैश भी किया, लेकिन रिजल्ट ना आए, वो सब उड़े हुए। हमें यकीन है कि अंदर फिल्म की रील ही न थी, सिर्फ सबको ताड़ने का बहाना था। मैं आज तक जोफी को इस बात के लिए माफ नहीं कर सकी, ना दरगुजर करती हूँ। हर भतीजे भतीजी और बच्चे की शादी पर मैं अब भी उसको यही गिला देती हूँ कि जोफी, मेरी कोई तस्वीर नहीं आपने मुझे दी। तो किंजा जी, बात लंबी हो गई, रोते सिसकते बड़े भाई जी के कंधे के साथ कंधा जोड़े पिछले सहन से चलती हुई मैं शफक लाशारी से शफक एहसान बनने चल पड़ी। बाहर वाले सहन में दो अदद भैंसे भी थीं जो जहेज में बाकी अशिया के साथ मिली थीं। वो गोटे किनारी वाले सुर्ख दुपट्टा ओढ़े, सर झुकाए, मेरी तरह एक अनजानी मंजिल,
एक अनजाने साथी के साथ चलने को तैयार खड़ी थी। हमें तो सांस भी ना आई, सुबह पर्चा था, शाम को बारात थी, ना होश आई, ना किसी को देखा, ना जांचा, बस अल्लाह के सुपुर्द हो गए और रुखसत कर दिया गया। वो सादे वक्त थे किंसा जी, वो वक्त वो माहौल ऐसे ही थे। पड़ी तो मैं बाहर से थी, कनेज से भी, लेकिन वजेदारी की इंतहा थी हमारी कोठी में। साल भर मंगनी रही, लेकिन मजाल है अम्मा ने किसी को झांकने भी दिया हो। मैंने एक अनजाने माहौल, एक अनजाने साथी के साथ बड़े खलूस, बड़े तवक्कुल के साथ सफ़र शुरू किया। ये तो था मेरी अपनी यादों का मंज़र, एक सफ़ेद और काली रंगीन फिल्म जो चल पड़ती है और आज आपकी इस महफिल में मैं सुना रही हूँ। लेकिन किंजा जी, एक अजब सी बात है, सुनना चाहो तो सुना दूँ, सोच में पड़ गई हूँ। फिर खैर, खाला बजाहूँ कहे डालती हूँ कि बेटा, महफिलों को सजाना तो आसान है, लेकिन दिल की महफिल, साथी की चाहत को एहतराम, सब्र और प्यार से सजाया जाता है। जो वक्त अच्छा गुजरे उसका सुख बजा लाओ, शुक्र ऐसा बजाओ कि दिल से उठे, क्योंकि ज़िंदगी की वादी में घाटियाँ भी आती हैं, घटाएँ भी आती हैं और आकर चली भी जाती हैं। रेनबोज और आबशारों से ज़िंदगी निखरती भी है, कुदरत का हर रंग वादिये सफ़र में नज़र आता है। लेकिन इस ऊंच नीच की मंजिल में साथी का हाथ मजबूती से थामा हो और दिल से थामा हो तो हर मुश्किल वक्त आसान हो जाता है। एक सरसब्ज ओएसिस तुम्हारे सामने होती है, अगर तुम्हारा इंतज़ार तुम्हारे हमाद की पैरों की चाप पर लगा हो, तुम्हारी आँखें उसके इंतज़ार में हों, उसकी आवाज़ सुनने पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो और यही कैफियत साला साल रहे, बल्कि हमेशा रहे, तो समझना मंजिल पार है। और आप इसकी बात है, ये तो मेरा अपना तजर्बा है, ना उनकी आँखों की चाहत बदली, ना मेरे इंतज़ार उनकी चाप के लिए ठहरा। मेरी तो मंजिल पार है, मेरा इंतज़ार भी वही है, उनकी चाहत भी वही है। इंशाल्लाह तुम्हारी मंजिल भी पार होगी। आबाद रहो, सुखी रहो, नई ज़िंदगी मुबारक हो, तुम्हारी खाला शफ़क। चलो जी, सो दैट्स व्हाट आई राइट। पुरानी यादें, पुरानी सोचें, अपने कॉलेज पे भी लिखा है, कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगी। एंड आई डू दिस रीडिंग्स एट होम टू एंड एट डिफरेंट फोरम्स। इट्स लवली बीइंग हियर एंड यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। शाम बखैर, बल्कि दोपहर बखैर है मेरा ख्याल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह।